पीएम के नाम पर चर्चाओं के बीच गोविंदाचार्य ने भी तड़का लगा दिया है। कभी बीजेपी के थिंक टैंक रहे गोविंदाचार्य ने भोपाल में कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह और रक्षा मंत्री एके एंटनी को राहुल से ज्यादा काबिल उम्मीदवार बता दिया है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को इन सब से काम सीखना चाहिए। गोविंदाचार्य ने बीजेपी में कई नेताओं को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार भी बताया है। जैसे बहुत लोग हैं काबिल, तो जैसे कांग्रेस को देखेगा तो श्री दिग्विजय सिंह जी हैं, श्री एके एंटनी जी हैं, ये सब तो राहुल जी से ज़्यादा काबिल हैं, अनुभवी हैं। इसलिए मैं सोचता हूँ कि इनमें से कोई प्रधानमंत्री बने और राहुल जी अप्रेंटिसशिप करें पहले, उसके बाद अप्रेंटिस कैसा अच्छा करता है नहीं करता है तो जनता को देखने का मौका मिलेगा, फिर आगे बात बढ़े। उसी तरह से मैं बीजेपी का भी सोचता हूँ, तो मैं बीजेपी में सोचता हूँ बहुत लोग हैं एनडीए में, डॉक्टर स्वामी हैं, शरद यादव हैं, सुषमा जी, अरुण जेटली तो हैं ही, राजनाथ जी भी हैं, नरेंद्र जी भी हैं, इसके अलावा भी और 8 नाम ले सकता हूँ, और इन सब के पितामह अडवाणी जी भी हैं। तो मैं अगर मेरी चले या मैं बताऊँ तो मैं कहूँगा कि अडवाणी जी को प्रधानमंत्री हो जाना चाहिए और नरेंद्र मोदी, शरद यादव, डॉक्टर स्वामी, सुषमा जी, इन लोगों को मंत्री हो जाना चाहिए। नरेंद्र जी को होम मिनिस्टर बना दिया जाना चाहिए। तो भैया शहर सिखावे कोतवाली, तो सीखे काम तो ज़्यादा पुख्ता और समय पर परिपक्वता आएगी तो देश को फायदा होगा।